जब भी हम कोई काम करना सोचते हैं कि हमें ये काम पूरा करना है, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो हमें अपने बॉडी का फैट खत्म करना हो, अपना वेट कम करना हो, तो हम सोचते हैं कि ठीक है थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, हो जाएगा। और हम क्या करते हैं कि सुबह एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, शाम को शुरू कर देते हैं और पूरा दिन ऐसे ही छोड़ देते हैं। भाई कर तो रहे हैं एक्सरसाइज, लेकिन 1-2 महीने बाद पता चलता है कि फैट तो बिल्कुल घट ही नहीं रहा है, वेट कम ही नहीं हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं, अरे यार छोड़ो, हमने तो सब कुछ करके देख लिया, हमारा फैट जब कम ही नहीं हो रहा तो हम क्या करें। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको अपने अंदर ठानना है कि ये चीज अगर मुझे करनी है तो मुझे कैसे उसको फॉलो करना चाहिए, मतलब अपने अंदर किस तरीके से वो चीज करनी है ताकि हम जल्दी से जल्दी वो काम पूरा कर सके या अपना मोटापा घटा सके, अपना वेट रिड्यूस कर सके। तो चलिए बताती हूँ, उस वीडियो में शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर, मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। देखिए, जो मैंने आपको शुरू में बोला आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या बताने वाली है। मैं बताने वाली हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सुबह एक्सरसाइज करने से काम नहीं बनने वाला है, बहुत ही लेट हो जाएगा या फिर आपको फायदा नहीं होगा। क्योंकि एक ही एक्सरसाइज अगर एक ही टाइम पे आप उतने ही टाइम के लिए करते रहोगे तो हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है और 2-4 दिन हमारी बॉडी को लगेगा कि हाँ मुझे कुछ मतलब हो रहा है, कुछ अलग चेंज आया है, तो वो आपको रिएक्ट करेगी। आप जैसे 0.5 किलो 1 किलो वजन कम कर पाएंगे उसके बाद नहीं, क्योंकि सेम चीज आप रोज रोज करते रहोगे तो बॉडी यूज टू हो जाती है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ठानना है कि मुझे अपना वजन कम करना है, बस करना है। पूरे दिन आपके दिमाग में यही होना चाहिए, जो काम आप करना सोचते हो आपके दिमाग में वो चलना चाहिए, खाते पीते हर काम करते हुए कि भाई जो मैं खाने जा रही हूँ, अगर मेरी वेट लॉस जर्नी है, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, क्या वो ठीक है या नहीं, जितना मैं खा रही हूँ क्या वो मेरी बॉडी के लिए फिट है नहीं, मेरी भूख के अकॉर्डिंग ठीक है नहीं, कहीं मैं ज्यादा तो नहीं खा रही हूँ, है ना। ये सोच समझ के आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब ये हो गई खाने पीने की बात, आज मैं बताने वाली हूँ कि हम क्या करते हैं, जैसे हमारा काम खत्म हो गया तो हम फोन लेके बैठ जाते हैं, भाई हमने सुबह एक्सरसाइज भी कर ली, इतना सारा काम कर लिया घर का, हम बच्चों का भी नहाना धोना सब कुछ कर दिया, अब हम लेट के फोन देखते हैं। लेकिन अगर आपने चैलेंज लिया वेट लॉस का तो फोन देखते हुए भी आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, अपने आपको कभी फ्री नहीं छोड़ना है अगर जल्दी से जल्दी अपना वजन घटाना है। तो मैं कैसे करती हूँ वो आपको दिखाने जा रही हूँ कि फोन देखते देखते भी हम अपने ऊपर काम कर सकते कैसे। सबसे पहले लेट जाइए, अब हम बिल्कुल रिलैक्स होके लेटे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि भाई ये आराम का टाइम है, ठीक है आराम का टाइम है, लेकिन हमारे दिमाग में एक ही चीज चल रही कि वेट कम करना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम लेटे हैं और फोन देख रहे हैं, तो फोन देखते देखते भी एक लेग को आप फैला लीजिए और एक लेग आपकी बैंड है इस तरीके से, तो इस तरीके से आप करते रहिए कंटिन्यू, सबसे पहला स्टेप, ठीक है। फोन इंजॉय करते रहिए, जो भी चीज जो भी काम आप कर रहे हैं फोन में, जो भी देख रहे हैं वो देखते रहिए, लेकिन अपनी बॉडी को फ्री नहीं छोड़ना है, उस पर काम करते रहिए इस तरीके से। इससे क्या होगा, देखो जब आप लेग को ऐसे ऐसे करते हो तो आपके पेट के मसल्स पे काम होता है, और जब कंटिन्यू आप कम से कम 4 से 5 मिनट ऐसे करोगे ना एक लेग से, आपको पता लग जाएगा पेट के मसल्स दुखने लगेंगे। तो बिना एक्सरसाइज को किए हुए भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, और हर एक चीज जो आप अपनी बॉडी के लिए कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आपका घूमना फिरना होता है, वो भी एक वर्कआउट की तरह ही होता है ऐसे। अब आप दूसरी लेग से, जब बहुत ज्यादा थक जाए दूसरी लेग से इस तरीके से, तो मैं ऐसे ही करती रहती हूँ। देखो अगर पेट कम करना है तो पागलों की तरह लगना पड़ेगा, रात दिन सुबह शाम जब भी आपको मौका मिलता है इस तरीके से ऐसे। अब आपको क्या करना है, फिर दोनों लेग को इस तरीके से उठा लीजिए, अब आप ऐसे ऐसे करते रहिए, जितनी देर करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा इस तरीके से, और वीडियो एंजॉय करते रहिए इस तरीके से, मतलब बॉडी को खाली नहीं छोड़ना है, उसे इतना काम करवाना है ताकि आपकी बॉडी पूरी बोलने लगे भगवान ना मैं थक गई, और आपको थक के नींद आ जाए। कुछ लेडीज कहती है ना मैं नींद नहीं आती रात में, तो ये करते रहो, बॉडी को अपने आप ही नींद आ जाएगी, थोड़ी देर में आप कहोगे भगवान कितनी तेज नींद आ रही है ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए कैसे करना है, एक लेग को रखना है इस तरीके से ऐसे,
जितना ज्यादा आप नीचे ऐसे मिलाने की कोशिश करोगे ना, उतना ही ज्यादा आपके पेट के मसल्स यूज होंगे ऐसे। ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, एक एक लेग से भी कर सकते हो इस तरीके से, जैसे एक लेग को उठा ऊपर रखेंगे और ऐसे, या फिर दोनों लेग को एक साथ नीचे ऐसे। सांस फूल रही है तो मुंह से सांस छोड़े, नाक से लेते रहे। थोड़ी देर में आपका पेट दुखने लगेगा, है ना, कमाल की चीज है। अगर पेट दुख रहा अच्छी बात है ना, आपका फैट जल्दी से खत्म होगा, पेट बिल्कुल सपाट हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट स्टेप, अब आपने ये स्टेप कर लिया, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए इस तरीके से ऐसे। अगर लेग दुखने लगी है रिलैक्स कर लीजिए, अब फिर से लेग को बेंड करेंगे और इस तरीके से उठा के रखिए। अब देखो इसको होल्ड कर लीजिए, अब देखो पेट के जो आपके मसल्स है उनपे कितना काम होगा, त्राही त्राही करने लगेंगे आपके पेट के मसल्स और आपका फैट जल्दी से भागने लगेगा वहां से। ऐसे रखिए, होल्ड करके रखिए जितनी आपकी कैपेसिटी है, देखते हैं आपकी कैपेसिटी कितनी देर की है। नेक्स्ट स्टेप, देखो मेरी कैपेसिटी तो और भी ज्यादा है लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे। नेक्स्ट स्टेप में ये इस तरीके से कर लीजिए ऐसे, दोनों घुटनों को मिला लीजिए और ऐसे पैरों को साइड में ऐसे रेज कर दीजिए इस तरीके से। इसमें भी पेट के मसल्स के ऊपर पूरा खिंचाव महसूस होगा आपको ऐसे। और अच्छा भी लगेगा आपको, जब आप थकते हो ना और थक के सो जाते हो और फिर आप उठते हो, बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज और भी है, मैंने खुद फील करी है, जब हम एक्सरसाइज करके सोते हैं और एक आराम की नींद लेते हैं तो बहुत ज्यादा फैट बर्न होता है, एकदम से ऐसे लगता है कि खालीपन महसूस होता है अंदर से, फिर बहुत तेज भूख भी लगती है, तो बहुत ज्यादा फैट बर्न भी होता है सोने से पहले अगर आप ऐसे करते हो। जैसे दोपहर में किया तो फिर दोपहर में भी आप आधे से एक घंटे की नींद ले सकते हो, रात में तो पूरी नींद लेनी है 6 से 7 घंटे की। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इस तरीके से पैरों को रखें और ऐसे टो टैप करें इस तरीके से। वाओ बेबी, आप भी कर रहे हो मम्मी के साथ? वाह, थोड़ा सा इस तरीके से रिलैक्स कर सकते हैं ऐसे। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, इस तरीके से लेग को उठा लीजिए ऐसे, जितनी देर आप होल्ड रख सकते हैं उतनी देर रखिए। इस वाले स्टेप में आती है नानी याद, ओह माय गॉड, इस वाले स्टेप में आप फोन देखना भूल जाओगे, लेकिन सही में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है पेट के लिए। नेक्स्ट स्टेप ऐसे कर लीजिए अपनी लेग्स को। देखो अगर आपके हिप जॉइंट्स में भी स्टिफनेस रहती है ना, अगर पेन रहता है या फिर घुटनों में, तो ऐसा मत सोचिए कि पेन बढ़ जाएगा, पेन बल्कि कम होगा। अगर आपकी कमर में दर्द है तो उससे ये जैसे हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, इससे बॉडी गर्म होती है और जो फ्लूड हमारे जॉइंट्स के बीच में होना चाहिए वो और बढ़ने लगता है। जब हम मूवमेंट करते हैं ना बॉडी को, तो वो और ज्यादा बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो पेन भी कम होगा और फैट भी कम होगा। देखो
इस बॉडी को जितना यूज कर सकते ना उतना यूज करना चाहिए। उससे क्या होता है कि उतनी ही बॉडी की एज बढ़ती है। ऐसा नहीं कि अगर आप यूज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आप और ज्यादा बीमार हो जाएंगे या आपकी एज कम हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। ये उस तरीके की बॉडी बनी है ऑटोमेटिक, जितना यूज करेंगे उतना ही अच्छा है। अब रिलैक्स होने के लिए लास्ट एक्सरसाइज इस तरीके से साइकिलिंग कर लीजिए, ऐसे उल्टी भी कर सकते हैं, ऐसे उल्टी नहीं मतलब उल्टी साइकिलिंग इस तरीके से क्या आप बोलेंगे उल्टी भी करनी है क्या? नहीं, वो वाली उल्टी नहीं करनी है, उल्टी साइकिलिंग और फिर सीधी भी। देखो आपने लेटे लेटे फोन देखते देखते बहुत अच्छा पेट के लिए वर्कआउट कर लिया है, ठीक है, और आराम से उठ सकते हैं या फिर सो सकते हैं। मैं तो इसके बाद सो जाती हूँ, बहुत अच्छी नींद भी आती है और फैट भी अच्छे से बर्न होता है। आज इतना ही, वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर जरूर बताना, और आप ये वर्कआउट करते हैं या नहीं करते हैं ये भी मुझे जरूर बताना। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर जरूर करना, अगर चैनल पे आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।